ज्ञान, उसे विज्ञान बना। विज्ञान बाप नहीं हो सकता है, ज्ञान बाप है। साधना, सेवा और कर्म। नवरात्रि पर चित्तौड़गढ़ में माँ भगवती की अनोखी आराधना। 9 दिन तक नुकीली कीलों की सैया पर बिना अन्न जल के लेटेंगे महाराज। भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में पहली बार जय माँ भगवती सेवा समिति चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में एक संत ने कठिन तपस्या शुरू कर दी है। कलयुग के भीष्म पितामह नागदा मध्य प्रदेश के नीलकंठ महादेव के महंत रमेश महाराज नवरात्रि स्थापना से 23 अक्टूबर तक रत्न वाटिका में माँ भगवती की आराधना करेंगे। इसके लिए शूल सैया पर लेटकर बिना अन्न जल के निरंतर साधना करेंगे। महंत रमेश महाराज ने माँ भगवती की आराधना के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित की। इसके बाद नुकीली कीलों की सैया बनाकर उस पर लेट गए। महंत के पेट पर मिट्टी डालकर जवारे उगाए गए। विश्व शांति एवं जन कल्याण की भावना को लेकर महंत द्वारा यह नवोदय साधना 9 दिन तक निरंतर जारी रहती है। महंत इससे पूर्व 19 बार इस प्रकार की साधना कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में उनका शूल सैया पर लेटकर मां भगवती की आराधना करने का यह 20वां अवसर है। जगदीश चंद्र दादू ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में मां भगवती की आराधना और महंत की कठिन साधना के इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता के उपासकों ने इस आयोजन में उत्साह दिखाते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। उज्जैन जिले से नागदा स्थानीय मुकाम। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य क्या है कि जो अंधकार फैला हुआ है, झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, ये सच्चाई सामने दिख रही है। और क्या होता है कि ज्ञान से विज्ञान होना, ज्ञान बाप नहीं हो सकता है, ज्ञान बाप है। तो ज्ञान से आदमी चाहेगा वो कर सकता है। आज हमारे यति महाराज जी इतनी सेवा कर रहे हैं। साधना, सेवा और कर्म, धर्म, ये चारों की अलग अलग रूपरेखा बनती है। अभी आपको एक सामने किस चीज़ का अनुभव हो रहा है और एक चीज़ बताऊँ मैं। मेडिकल साइंस बोलता है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे तक एक ही कंडीशन में रखा जाए, बेहोशी में, तो उसको कोमा में चल जाएगा, वो मरेगा। आज का युग कितना फास्ट चल रहा है, लेकिन आज के फास्ट युग में भी लोग धोखे खा रहे हैं। तो कितने दिनों तक रहेंगे ये? 9 दिन तक चल रहा हूँ। 9 दिन तक इसी पे। गुरुदेव बात की जाए, एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य लेकर के रमेश जी महाराज सैयब हैं, किस तरह देखते हैं ये? देखो साहब, एक बहुत बड़ी भक्ति है, और भक्ति जितनी भक्ति अच्छी होगी उतनी शक्ति मिलेगी। इनको माता रानी का पूरा आशीर्वाद है, और इनके ऊपर पूरा समझो कि इनका इष्ट बहुत मजबूत है, इनका अनिष्ट कभी नहीं होगा। जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता है। ये एक चित्तौड़ के लिए बहुत बड़ी, एक बहुत ही बड़ी, एक अच्छी बात है।